डर क्यों नहीं हुआ? हुआ मैं आपके साथ। तो वो भाई तोबा है आपके साथ। बालवीर को भले ही पता चले कि सोख लिए आपने उसकी शक्तियां धोखे से, तोबा बालवीर। हाँ, बालवीर को ही नहीं पता कि डर क्यों रही हो आप ऐसा, और पता चलेगा भी नहीं कि सोच के उसकी सात परियों की शक्तियाँ मिल जाएगी आपको, सप्तरंगी शक्तियाँ, और हो जाएगा आपका जादुई दंड फिर से शक्तिशाली। दंड तो अब तुम्हें मिलेगा तोबा, अपनी जुबान बंद नहीं की तो। अभी दंड मिला भी तो है क्या फायदा? दो बाकी शक्तियां बालवीर की मिलने की, और होंगे नहीं जब तक बालवीर के शक्ति से ये सारे हीरे रंगीन नहीं आएगी वापिस शक्ति आपकी जादुई दंड में। हाँ, दे रही आप इसलिए वो दंड मुझे। सुन लिया तुमने? आपने सब सुन लिया बेवकूफ? तो अब मुझे समझ में आया कि मेरी शक्तियाँ चल क्यों नहीं रही है। तो इस सब के पीछे तुम हो, तुम छीन रही थी मेरी शक्तियाँ भयंकर परी के लिए। इसलिए स्कूल में जब से तुम आए हो बच्चों पर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है, पर अब तुम सबका खेल खत्म। अच्छा, करो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, बात करो, क्योंकि जैसे ही तुम शक्ति का इस्तेमाल करोगे वो तो इस हीरे में आ जाए। करो ना। तेरे से ही भयंकर परी, आपकी शक्तियां इस्तेमाल करके होगा फायदा भयंकर परी को। अब क्या करोगे आप बालवीर? चिंता मत करो डुबा डुबा एक, भयंकर परी को अपने दंड को वापस शक्तिशाली बनाने के लिए मेरी और दो शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं मिलेगी सिर्फ एक ही शक्ति, क्योंकि मैं अपनी एक ही शक्ति का उपयोग करके इन तीनों को सजा दे सकता हूँ। हमेशा के लिए इन्हें बच्चों से दूर कर सकता हूँ, तो सजा के लिए तैयार हो जाओ भयंकर परी, तबाही और तौबा तुम भी। इस वक्त यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। मेरे लिए नहीं, तुमने ये सब कुछ अपने लिए किया। नहीं, नहीं, परी भयंकर।
तुमने ये सब किया ताकि मैं खुश होकर तुम्हें अपने आने वाले राज्य का प्रधानमंत्री बना दूं। मगर तुमने जो हरकत की है ना, उससे तो मन कर रहा है कि तुम्हें अभी इसी वक्त छचुंदर बना दूं। बना ही दो, फिर इस छचुंदर को मैं हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दूंगी। ये अकेला नहीं जाएगा जमीन में। अगर बालवीर और परियम मिल गई तो हम सारे लोग जमीन में जाएंगे। एक बार मेरी शक्तियां वापस आ जाए तो परी भयंकर और तबाही मिलकर पूरे परी लोग पर राज करेंगे, पृथ्वी लोग की रानी बनेंगे। मगर तुम दोनों की वजह से मुझे मेरी शक्तियां कभी नहीं मिल सकती। पर मैंने क्या किया? मैं तो बालवीर की एक एक शक्तियां सोख कर तुम्हारे पास ला रही हूँ। एक एक करने से क्या होता है? अब तक केवल 5 शक्तियां मिली है, अब भी 2 शक्तियां बाकी है। जब तक मैं उस बालवीर से सातों शक्तियां नहीं ले लेती, मैं फिर से शक्तिशाली नहीं बन पाऊंगी। लेकिन अब तो सब कुछ जान चुका है वो। अब वो अपनी शक्तियां कब इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। करेगा, जरूर करेगा। मैं करवाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अग्नि, पानी, बिजली, किसी का भी सहारा क्यों न लेना पड़े। अच्छा, तो जाकर ये घर बालवीर लगा देगा उल्टा आग तुम्हें, और डुबा देगा पानी में, और देगा बिजली के झटके जैसे दिए थे मुझे। लेकिन मैं लाकर दूंगा बालवीर की शक्तियाँ अभी भी। अच्छा, जैसे पहले लाया था वैसे? फिर जाके कहेगा बालवीर से कि वो अपनी सारी शक्तियाँ तुझ पे इस्तेमाल करे? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे, आएगी शक्तियाँ खुद ब खुद मेरे पास। हाँ हाँ, बालवीर खुद ला कर देगा ना तुम्हें वो शक्तियाँ। नहीं, सांता क्लॉस। सांता क्लॉस? सांता क्लॉस? बनूंगा मैं बच्चा, पहनूंगा मैं लाल जुराब और लिखूंगा उस पे, चाहिए मुझे बालवीर की शक्तियाँ। और बालवीर की सारी शक्तियाँ उस जुराब में डाल देगा। बेवकूफ समझाए सांता क्लॉस को, वो बच्चों के सारे तोहफे खुद परीलोक में बनवाता है, फिर क्यों ला कर देगा वो बालवीर की सारी शक्तियाँ? वो अच्छाई का साथ देता है, बुराई का नहीं। नहीं तबाही, तौबा तौबा, ठीक कह रहा है। ये क्या कह रहे हो परी भयंकर? आप सांता क्लॉस का सबसे प्यारा बच्चा है बालवीर। हर साल वो क्रिसमस का पहला तोहफा बालवीर को देता है, तो क्या इस बार वो उसे शक्तिहीन बनाकर उसकी सारी शक्ति हमें तोहफे में देगा? मैं जानती हूँ, सांता क्लॉस हमें कभी बालवीर की शक्तियां नहीं देगा। मगर सांता क्लॉस के लिए बालवीर तो हमें अपनी शक्तियां दे सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब एक बच्चे को बचाने के लिए बालवीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, तो जरा सोच, दुनिया भर के बच्चों को खुशियां बांटने वाले सांता क्लॉस को मुसीबत में देख के क्या वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं करेगा? जरूर करेगा। तुम सांता क्लॉस के साथ क्या करने का सोच रही हो परी भयंकर? सांता क्लॉस का अपहरण। लेकर जाएंगे पाताल लोक में, और जब बालवीर वहां आएगा तो हम उसे मजबूर करके उसकी सप्तरंगी शक्तियों को ले लेंगे। सात परियों ने दी थी जो 7 शक्ति आपको, सोख लिए उसमें से 5 शक्तियां भयंकर परी ने एक एक करके। चलकर हमें बतानी होगी ये बात रानी परी को। नहीं डुबा डुबा, मैं ये बात रानी परी को नहीं बताऊंगा। क्यों? लेकिन अगर हो जाएगा भयंकर परी का जादुई दंड शक्तिशाली फिर से, तो बढ़ जाएगा खतरा उसका। है जरूर ये बात बताना हमें रानी परी को। हाँ डुबा डुबा, मैं जानता हूँ ये बात रानी परी को बतानी होगी। हाँ डुबा डुबा, पर रानी परी अभी दुनिया की करोड़ों बच्चों की खुशियों के लिए
सेंटा क्लॉस के साथ क्रिसमस की तैयारियों में जुड़ी होगी। अगर मैं उन्हें भयंकर परी के छल की बात बताऊंगा तो वो सब कुछ छोड़ के मेरी मदद करने के लिए आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे बालवीर? बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है डूबा डूबा। और जिस जिम्मेदारी के साथ रानी परी और बाकी सात परियों ने मुझे शक्तियां दी थी, उस जिम्मेदारी के साथ भयंकर परी से मुझे 5 शक्तियां वापस हासिल करनी होगी। मगर कैसे? है नहीं इतना आसान बिना शक्तियों के। हाँ डूबा डूबा, मैं ये जानता हूँ। अभी भी मेरे पास 2 शक्तियां बची हुई है, और उससे भी बड़ी है सच्चाई और अच्छाई की ताकत, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जिससे मैं एक भयंकर परी से ही नहीं, मैं उसके जैसे 100 भयंकर परियों को भी हरा सकता हूँ। चलो अब मेरे जाने का समय हो गया। कहाँ? भयानक लोग जाने का? नहीं डूबा डूबा, मैं अभी भयानक लोग नहीं जा रहा हूँ। आज क्रिसमस से पहले की रात है, इसलिए सेंटा क्लॉस मुझे पृथ्वी लोक पे मिलने आने वाले हैं, और मैं उनको मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। और हम दोनों मिलकर दुनिया के सारे सच्चे और अच्छे बच्चों को उनके मनपसंद तोहफे बांटेंगे। अभी मेरा उनसे मिलने का समय हो गया, तो अब तुम परी लोग जाओ, अब हम कल सुबह मिलेंगे, ठीक है? है ठीक, हूँ मैं चलता। खुश रहो बालवीर। खुश रहो डूबा डूबा। हमारी पसंद की गिफ्ट इसके अंदर डाल देंगे। पढ़ने से याद है महर, तूने मेरी तरह अपनी विश हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है ना? क्योंकि अगर सेंटा क्लॉस को हिंदी पढ़ने नहीं आता होगा तो तेरा गिफ्ट तो गया। मानव जस्ट ग्रो अप, जस्ट ग्रो अप। सेंटा क्लॉस दुनिया के हर बच्चे को गिफ्ट बांटते हैं, इसलिए उन्हें दुनिया की हर भाषा आती है। हाँ हाँ ठीक है, चल अब सॉक्स बांधते। हाँ हाँ बांधते। हाँ हाँ चल। चल तेरा देख, चल। हाँ? ये क्या? दो सॉक्स? ए चीटर, तू दो सॉक्स क्यों बांध रही है? सांता क्लॉस के भोलेपन का फायदा उठाना चाहती है? वेरी बैड, वेरी बैड। मैं कोई चीटिंग वीटिंग नहीं कर रही हूँ। ये 200 सॉक्स मेरे लिए नहीं है, तो किसके लिए है? वो बोला मालूम है ना, सेंटा क्लॉस चीटर्स को गिफ्ट नहीं देते। और कहीं तेरे चक्कर में मुझे भी गिफ्ट नहीं दिया तो? मानव चुप कर। देख ये दूसरा सॉक्स मेरे लिए नहीं है, बल्लू के लिए। वो तो अपने चाचा के यहाँ गया है, तो उसके गिफ्ट के लिए हमें सॉक्स टांगना पड़ेगा ना। पक्का? तो बल्लू के गिफ्ट के लिए सॉक्स टांग रही है? हाँ क्यों नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ए, क्या मतलब? नहीं वो तेरी उससे बनती नहीं है ना। अरे बनती नहीं है इसलिए तो ऐसा कर रही हूँ, नहीं तो कल क्या होगा, सेंटा क्लॉस का गिफ्ट हमें मिलेगा और उसे नहीं। फिर पापा कहेंगे कि बल्लू भी अब तुम्हारा भाई है, तो उसके साथ अपना गिफ्ट शेयर करो, जैसे कि हमने अपना घर, रूम, टॉयज और यहाँ तक कि मेरा बर्थडे भी उसके साथ शेयर किया था। और मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहती। पक्का? यही बात है? हाँ क्यों, तू कुछ और सोच रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस कंफर्म कर रहा था। हो गया कंफर्म? अब बल्लू को गिफ्ट मिले ये जरूरी है, और वो जैसा भी है तो हमारे परिवार का हिस्सा ही ना। हाँ वो तो है, है ना? तो अब सॉक्स लगा। हाँ हाँ। ये सेंटा क्लॉस अभी तक क्यों नहीं है? Oh, 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 oh
थैंक यू बालवीर, थैंक यू रानी परी, थैंक यू परियो, हमको ये डांस सिखाने के लिए। क्यों? आपने रानी परी और बाकी सब परियों से ये नाच सीखा था? नहीं नहीं, ये डांस उन्होंने हमको नहीं सिखाया, पर सीखा है हम उनसे ही। डोंट गेट कंफ्यूज माई चाइल्ड, तुम तो जानता है हम ये क्रिसमस का गिफ्ट के लिए कितना दिन परीलोक में था। वहाँ पे सब परीलोक खुश रहो परियो, खुश रहो परियो, खुश रहो डुबा डुबा, ये करते करते हमको ये इतना पसंद आया कि इसको हमने हमारा डांसिंग स्टाइल बना लिया। ऐसे जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सांता क्लॉस, आप जब भी मुझसे मिलते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, मन करता है कि आपकी बातें सुनता ही रहूं। हमको भी ऐसा ही होता है, पर बालवीर अभी हमको जाना है और बच्चा लोग को क्रिसमस का गिफ्ट देना है। चलो वैसे भी अभी बहुत रात हो गया है, चलो चलो बालवीर, नाउ वी हैव टू रश। एक मिनट बालवीर, अरे हम हमारा गिफ्ट का बैग तो उधर ही भूल गया। अच्छा मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम इधर रुको, हम अभी जाके लेके आता है। Wow.